wait for something to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार, आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने आया हूँ वो 2017 की एट्राइट डाईहाट्सु एट्राइट टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी, माशाल्लाह A1 गाड़ी। और टॉप ऑफ द लाइन मींस के इसमें पावर डोर्स, ऑटोमेटिक एसी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फोग लाइट्स, रिम्स, टायर्स, हर एक चीज़ लगी हुई है। तो चलें इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं कि इस गाड़ी में कितने ऑप्शंस हैं और इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं। तो यार, ये 2017 मॉडल की एट्राई है और ये डाईहाट्सु एट्राई है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं, ये टॉप ऑफ द लाइन है। इसमें मींस के यही गाड़ी होती है, कंपनी चेंज होती है, मज़दा में भी आती है, बहुत ज़्यादा कंपनियों में आती है। अगर आगे फ्रंट की बात करें तो इसमें बीच में क्रोम ग्रिल आती है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लुक दे रही है इस गाड़ी को। मेन जो है इसकी जो ग्रिल है ना, वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रही है इस गाड़ी में। ये पर्ल वाइट कलर में है गाड़ी। और जो अगर आगे लाइट्स की बात करें तो ये यहाँ पे हाई लो में दोनों में हेलोजन बल्ब हैं, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे पार्किंग लाइट छोटी सी, ये फोग लाइट है और क्रोम की रिंग लगी हुई है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही है। और इस गाड़ी की अगर साइड की बात करें हम तो इसमें 14 इंच के रिम्स आते हैं, 155/14 के रिम्स आते हैं। और यहाँ पे रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स प्लस में यहाँ पे इंडिकेटर लाइट भी है इसमें। और इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी बॉडी कलर में है, और पीछे वाला भी, आगे वाला भी। और ये यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक का है, फ्यूल टैंक का साइड स्कर्ट्स यहाँ पे इंस्टॉल आती हैं ओरिजिनल कंपनी से। और यहाँ पे एयर प्रेस भी लगे हुए हैं, एट्राई यहाँ पे लिखा हुआ है, गाड़ी की बैजिंग की हुई है। यहाँ पे भी बैक डोर में भी एट्राई लिखा हुआ है। और ये ऑटो डोर है, लेकिन ये सिंगल ऑटो डोर है। वहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका डोर कैसे खुलता है। तो ये डोर है वो ऑटो है, जैसे यहाँ पे मैंने प्रेस किया और ये खुद ही खुल गया। बैक की बात करें तो यार, इसमें ये गाड़ी फ्रेश इंपोर्ट है, तो इसमें अभी तक वो जो लेटर्स आते हैं लिखे हुए पार्क यहाँ पे कि भाई यहाँ पे अराइवल होनी है, ये गाड़ी का चेसिस नंबर आता है। तो और पीछे रेयर में वाइपर भी है, ग्लास वाइपर है। और यहाँ से ट्रंक ओपनर, ये भाई इसमें जो जगह है ना डिग्गी की, भाई बंदे आराम से 3-4 बंदे बिठा लो, टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। और नीचे की बात करें तो इसमें हेलोजन ब्रेक लाइट आती है, हेलोजन इंडिकेटर और हेलोजन रिवर्स लाइट आती है, बीच में नंबर प्लेट की जगह। और यहाँ पे जो यार ये जो क्रोम लगाया हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पे अगर डिगी में देखें तो यहाँ पे ब्रेक लैंप भी है और यहाँ पे वॉशर लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर स्पॉइलर भी लगा हुआ है। की देर में चलने से पहले मैं आपको पहले की दिखाऊँ तो यार, ये इसकी की है, ये सिंपल की है वैसे। तो अभी इंटीरियर की बात करते हैं। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो यहाँ पे आप डोर में ये देख सकते हैं कि यहाँ पे यार ये वेलवेट टाइप लगा हुआ है। और ये जो इंटीरियर है इसका, ये पूरा बेज रूम है, बेज रूम में इंटीरियर। और ये टॉप ऑफ द लाइन है तो उस हिसाब से वैसे इसमें ब्लैक भी आता है और बेज भी आता है। ये बेज इंटीरियर वाली टॉप ऑफ द लाइन वाली गाड़ी है। अगर हम इसकी डोर की बात करें तो इसमें क्रोम हैंडल आता है खोलने के लिए, सही है। और यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए, अगर आप जैसे मैं अभी यहाँ से लॉक कर रहा हूँ तो सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं, और यहाँ से खोला तो भाई खुल गए। और यहाँ पे चारों विंडोज़ पावर्ड हैं और सिर्फ ड्राइवर की ऑटो है इसमें, और यहाँ से अभी बंद हो गई। और यहाँ पे अगर देखें तो भाई यहाँ पे ग्लासेस लॉक के लिए और रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, ये भाई जैसे रिट्रैक्ट हो गए। यहाँ पे साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट है, जैसे मैंने भाई ये देख रहे हो यहाँ से एडजस्ट हो रहे हैं।
रेट्रैक्ट भी हैं। पर अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूं तो बीच में यहां पे एक एयर बैग और यहां पे भी एक एयर बैग, सिर्फ इस गाड़ी में दो एयर बैग्स हैं। साइड में अगर मैं बात करूं तो साइड में यहां पे ऑटो डोर है, जैसे मैंने यहां से प्रेस किया और वो डोर खुल गया। अभी यही इसी को मैंने 3 सेकंड प्रेस करके रखना है और ये डोर क्लोज हो गया। यहाँ से जैसे मुझे अगर की से डोर नहीं खोलना तो फिर मैं यहाँ से अगर प्रेस कर दूंगा तो फिर ये की से डोर नहीं खुलेगा। इसकी जो ओरिजिनल की है वैसे वो पोर्ट पे, तो वो भी एक दो दिन में आ जाएगी। मीटर की बात करें तो इसमें भाई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, वैसे बस 140 तक स्पीडोमीटर है, यहाँ पे RPM है और यहाँ पे ये PRND जो गियर्स हैं इसके वो लिखे हुए हैं, न्यूट्रल ड्राइव 2L। यहाँ पे ग्रीन लाइट है और रिवर्स में येलो लाइट है यहाँ पे, और ये पार्किंग पे यहाँ पे फ्यूल नेडल है। और अगर इसमें हम बात करें तो यार यहाँ पे बीच में यहाँ से ये माइलेज बता रही है कि भाई कितने किलोमीटर ट्रिप ए में चली हुई है और ट्रिप बी और ये कितनी माइलेज है। अभी ये 1,15,973 चली हुई है। यहाँ पे सीट बेल्ट की इंडिकेशन आ रही है कि भाई आप सीट बेल्ट पहनो। तो अगर बीच में बात करें तो यार यहाँ पे इसके गियर्स हैं, फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर और ये थर्ड और फोर्थ। इसमें सिर्फ 4 गियर आते हैं, 5 गियर नहीं आते, और इसमें CVT ट्रांसमिशन है तो इसकी जो ड्राइव है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। और यहाँ पे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जैसे मैं अभी थ्रो को फुल करता हूँ तो भाई इसकी थ्रो ये है, नॉर्मल है, ज़्यादा अच्छी नहीं है थ्रो, लेकिन अच्छी है, वैसे सही है, जितनी छोटी गाड़ी है 660 cc के हिसाब से अच्छी है थ्रो। और यहाँ पे इसके मोड्स दिए हुए हैं कि आपको किस मोड में, अभी ये जैसे नीचे भी हवा आ रही है और ऊपर भी आ रही है, तो वो और वही बैग, यहाँ से AC ऑन AC ऑफ, और ये कि भाई आपको कौन सा इनर या आउटर सेलेक्ट करना है। तो अभी मैंने जैसे इनर सेलेक्ट किया है तो यार इसकी थ्रो ज़्यादा हो गई है, अच्छी हो गई है थ्रो। और यहाँ पे बीच में हैज़र्ड्स का है और LCD में मैप है और क्या कहते हैं नेविगेशन, ऑडियो ऑन ऑफ हर एक चीज़, और ये पैनासोनिक का है। तो भाई अच्छी है वैसे गाड़ी, अंदर से बहुत माशाल्लाह खूबसूरत और खुली डुली है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सनवाइजर्स हैं, सनवाइजर्स में मिरर वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे मिरर है, एक सिर्फ ड्राइवर को दिया हुआ है और किसी को नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे अगर आपको कुछ रखना हो तो आप यहाँ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको रखना हो तो रख सकते हो। और अगर यहाँ पे बात करें तो यार यहाँ पे छोटा सा ग्लव बॉक्स है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कप होल्डर और यहाँ भी एक ड्राइवर के लिए भी कप होल्डर दिया हुआ है। अगर डोर में मैं नीचे बात करूँ तो यहाँ पे फाइल होल्डर, बहुत बड़ा फाइल होल्डर दिया हुआ है। और यहाँ पे स्पीकर है, एक स्पीकर यहाँ पे, एक दूसरा यहाँ पे। और अगर इस डोर की बात करें तो इसमें क्रोम हैंडल और विंडो डाउन अप के लिए है। इसका जो यार ये वेलवेट वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा मीन्स के लग्जरी फील दे रहा है। यहाँ पे लाइटर दिया हुआ है एक, के भाई सिगरेट वगैरह पीनी हो किसी को तो पी सकता है। यहाँ पे स्ट्रे, यार जो इसकी हैंड ब्रेक है वो नीचे, ये फुट ब्रेक है, हैंड ब्रेक नहीं है, ये फुट ब्रेक है। बीच में सीट्स, भाई इसकी सोफ़ा सीट्स हैं, इतनी कंफर्टेबल है कि भाई करोला वगैरह इसकी तो यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है। और ये सोफ़ा सीट से 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं बीच में, और ये आर्मरेस्ट, बंदा रिलैक्स होके आराम से बैठ सकता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स। और मैं अभी जो बैठा हुआ हूँ इतना रिलैक्स हूँ। और यहाँ पे भाई लेग स्पेस देखो आप, लेग स्पेस अच्छा खासा है कि भाई आराम से बंदा 6 फीट की हाइट का हो तो आराम से चला सकता है गाड़ी। मेरी 5'7" है तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं बैक डोर की बात करूँ तो भाई एक इसका पावर है और एक इसका यहीं भाई हाथ से खुलता है। इसमें यहाँ पे अंदर डोर की बात करूँ तो यार यहाँ पे पावर विंडोज़ का स्विच है कि भाई डाउन अप, और यहाँ से लॉक अनलॉक के लिए है। और यहाँ पे भाई लेग स्पेस आप देखो, सिर्फ लेग स्पेस, यहाँ पे 2-3 बच्चे खड़े करो, मसला ही नहीं है भाई। और पीछे आराम से 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं भाई, आप 3 बंदे आराम से बिठाओ, टेंशन ही नहीं। और यहाँ पे बीच में आर्मरेस्ट भी है, और अगर मैं आर्मरेस्ट में दिखाऊँ तो यहाँ पे इसका
कप होल्डर्स भी हैं दो, और मज़े से आप चिल करके पार्टी करते हुए जाओ और इंजॉय करो। और पीछे की जो बात है ना भाई, पीछे तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, 3-4 दोस्त आप बिठाओ, जिनकी आपसे नहीं लगती हो ना उन दोस्तों को पीछे बिठा दो, मसला ही नहीं है, वो कौन सा माइंड करेंगे। तो आप ऐसा करो, मज़े से जाओ, टेंशन नहीं है, सही है ना। तो भाई जो ये भाई वीडियो देख रहे हैं भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई, कैसे भी सपोर्ट करोगे तो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, वरना ऐसे तो पीछे चले जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि भाई आप सपोर्ट करो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें भाई, जितना हो सके करो, और जितना शेयर करोगे उतना ही मज़ा आएगा। तो भाई आगे हम के रिव्यू कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ से ये जो पावर डोर है अभी मैंने इसको प्रेस किया, ये खुल गया। यार मैं अभी आपको पीछे बैठकर भी दिखा सकता हूँ कि मैं कितनी जगह है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे अभी बैठे हैं फुल, यहाँ पे मज़े से बैठे हैं यहाँ पे। अभी वो किसी को बोलेंगे चाय वाय लाए, पानी वानी लाए, मज़े से यहाँ पे भाई खाना वाना आप खा सकते हैं, इतनी जगह है यार। और पीछे यहाँ पे लाइटर भी है, जैसे अगर आपका टायर वगैरह पंचर हो जाता है तो आप चार्ज वगैरह कर सको। और यहाँ पे हिडन पॉकेट्स हैं, और यहाँ भी हिडन पॉकेट्स हैं दो। तो यार उम्मीद है आपको इस गाड़ी का रिव्यू पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको मैं बार बार बोलूँगा कि भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में, और उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और जो जो चीज़ें मिस हो गई हों तो यार माजरत। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में।